राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्द धार 17, विषय है गुरु तो पूरा ढूंढ, तेरे भले की कहूं। ढूंढोगे तो तब जब पहचानोगे, इतने काबिल हो नहीं कि पहचान सको। जब तक कि सद्गुरु वक्त खुद अपनी पहचान ना बख्शे, सद्गुरु वक्त की पहचान एक सूरज की तरह है, जहां कभी रात और दिन नहीं होता, सदा चैतन्य, यही सद्गुरु वक्त की पहचान है। पर चूंकि तुम चैतन्य नहीं हो, यह तुम्हारा चैतन्य सदा जागृत नहीं रहता, इसलिए पहचान नहीं पाते। पर अधिकारी जीव कौन है? अधिकारी जीव जिनको अधिकार प्राप्त है या जिन्होंने अधिकार कमाया है। ये अधिकार ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की जड़ में जल डाल दिया, चींटियों को आटा वाटा खिला दिया चीनी, मछलियों को दाना आटे की गोली खिला दी, चिड़ियों को दाना खिला दिया, पुण्य कर दिया, गरीबों को खाना कपड़ा दे दिया, किसी की मदद कर दी। ये सब पुण्य कर्म हैं। इन पुण्यों से संतों के मत का अधिकार नहीं जगता, ये परोपकार है, परमार्थ नहीं है, ये सब परोपकार है, पुण्य कर्म है, इनका फल मिलता है, परिणाम मिलता है। हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। आप भला करेंगे तो आपका भी भला ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, यहां नहीं तो वहां होगा, पर होगा। भला तो होगा पर छुटकारा नहीं मिलेगा। उस पुण्य कर्मों के फल को भोगने के लिए आना तो यहीं पड़ेगा। तो ये पाप पुण्य सुख दुख तेरा और मेरा, मैं और तू कि इस दुनिया में परमार्थ संभव नहीं है। परमार्थ एक सोच नहीं है, परमार्थ कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, परमार्थ एक अभिलाषा है, एक हूक, एक उमंग, एक तरंग। अभिलाषा जो मन में नहीं उठती, मन के घाट पर ये अभिलाषा नहीं उठती। मन के घाट पे तो सिर्फ स्वार्थ उठता है, जिसे हम अपनी अभिलाषा समझ लेते हैं, क्योंकि अभिलाषा से हम परिचित ही नहीं है। मन के स्वार्थों को अभिलाषा समझ लेते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, सब स्वार्थ, लालसाएं और कामनाएं। अभिलाषा वो बेकली है, वो तड़प है, वो बेचैनी है,
खुद को जानने की और खुद में समा जाने की। और ये अंतर घाट पे उठती है, और ये घाट अंतर का इतना गहरा है जिसे बाबूजी महाराज अपने फर्मों में फरमाते हैं, वचनों में, अंतर के अंतर्गत। तो अंतर तो आत्मा होती है, यानी आत्मा के भी अंतर्गत, आत्मा के भी कहीं भीतर ये तड़प, बेकली और बेचैनी उठती है। यही वो उमंग, यही वो तरंग अभिलाषा है, स्वयं की खोज और स्वयं में समा जाने की। जब तक इस जगत और इसके कारोबार को जांच और परख कर, इसकी नश्वरता और झूठ को जानकर इससे उदासीनता पैदा ना हो, तब तक इस उमंग से हम परिचित नहीं हो सकते। कोई तड़प, बेकली, बेचैनी पैदा नहीं होगी जब तक ये जगत अपना लग रहा है, मन तो उसी में रम रहा है। काहे की तड़प, कैसी बेचैनी, किसकी बेकली, क्योंकि स्वयं से तो हम परिचित ही नहीं हैं कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं और कहां जाएंगा तो प्रश्न ही नहीं उठता। यही नहीं पता हम हैं कौन, तो कौन आया और कौन गया। ये अभिलाषा तब तक पैदा नहीं होगी जब तक कि जगत के प्रति और उसके असबाब के प्रति जीव में उदासीनता पैदा ना हो। और अकल तो ठोकर खा के ही आती है। अकल तो ठोकर खा के ही आती है, वरना तो हाल ये है जीवों का कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगराए। कुछ समझ में नहीं आता, जगत ही बड़ा प्यारा लगता है। मोह के बंधन, मैं और मेरा, मन को कितनी संतुष्टि देते हैं। मन बड़ा मगन होता है इस मैं और मेरा में, और भूल जाता है कि मैं कौन। मैं और मेरा तो सबको याद है, पर नहीं जानते कि मैं कौन। सो संतों के मत में वही शामिल हो सकता है, या संतों का मत उसी को समझ में आ सकता है जिसका मन जगत से उदासीन हो। कुछ उदासीनता आवश्यक है। इस कुछ को सब कुछ मालिक अपनी दया से बना लेता है, पर कुछ होना आवश्यक है। और ये कुछ उदासीनता तभी पैदा होती है जब ठोकर लगती है, जगत के झूठ का पता लगता है, जब समझ में आ जाता है कि सब अपने ही हैं, कोई मेरा नहीं है, तब अक्ल आती है। तब जीव ढूंढता है कि मेरा कौन, मेरा कौन। तब उसकी दिशा परमार्थ की ओर मुड़ती है। तो मेरा कौन को ढूंढने से पहले खुद को ढूंढना पड़ता है कि मैं कौन। जब हम स्वयं से परिचित होते हैं तो
उस अंशी से भी परिचित हो जाते हैं जिसके हम अंश हैं और जो परम पिता है, कुल मालिक है। तब परमार्थ की डगर पे कदम बढ़ता है, उससे पहले नहीं। परली पार मेरा यार बसत है जो पहुंचा सो मर के। जब इस जगत की तरफ से आंखें बंद करोगे तब अंतर की दृष्टि खुलेगी, और जब तक दृष्टि जगत में लगी है अंतर में जग में घोर अंधेरा भारी, मन में तम का अंधियारा, तो अंधे के अंधे ही बने रहे, मिला तो कुछ भी नहीं। एक आयु लेकर आए थे मनुष्य के जन्म में, वो भी गंवा दी। तो संतों की पहचान और सद्गुरु वक्त को जीव ढूंढे तो ढूंढे कैसे, और ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। इतनी बड़ी दुनिया, 200 के करीब देश, 4,042 के करीब धर्म मजहब और संप्रदाय, हजारों जातियां कहाँ मिलेंगे। सूरज को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी रोशनी ही उसकी पहचान है। ऐसे ही संतों और फकीरों की भी पहचान है। तो संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा ईष्ट और अकीदा, यानी लक्ष्य और विश्वास, सच्चे कुल मालिक का बंधवाते हैं, और अंतर में विश्वास को दृढ़ करवाते हैं, और बाहर मूरत तीरथ पोथी किताबों आदि में नहीं भटकाते हैं, और ना ही देवता अवतार पैगंबर आदि की पूजा वगैरह में लगाते हैं, और सहज योग, न हट योग न असहज योग, सहज योग जो हर एक से बन सके, एक 8 साल का बच्चा भी लग सके, और 81 साल का बुजुर्ग जो खाट पर लेटा है, बीमारियों से ग्रस्त है, शरीर हिल नहीं पाता, हर काम के लिए मोहताज है, वो भी इस योग को कर सके। ये है सहज योग संतों का, यही है मार्ग मुक्ति का। सहज का यही अर्थ है, अगर ना बन सका तो असहज हो जाएगा। और जो हर एक से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष चाहे बालक चाहे वृद्ध, हर एक से बन सके वही सहज है, और यही सहज मार्ग और सहज योग संतों की रीत है। यानी सूरत शब्द अभ्यास का मार्ग बताते हैं। कोई हाथ पैर टेढ़े करके त्रिशंकु नहीं बनना है, सहज भाव से सूरत को शब्द में लगाना है। तो सूरत अंग बरामद कैसे हो और शब्द को कैसे पकड़े,
यही संतों के मत का जतन और जुकती है, जो अपने वक्त के सदगुरु से ही मिल सकता है। जगत गुरु तो बहुत हैं, जगत गुरु तो बहुत हैं, जगत में ही फंसाएंगे। उद्धार पूरा और मुक्ति सच्ची का मार्ग उनके पास नहीं है। पुण्य बताएंगे, परोपकार समझाएंगे, परमार्थ उनके पास नहीं है। और घुमा घुमा के इसी जगत में पटकेंगे, पुण्य फल ले लो, पुण्य फल ले लो। जगह जगह गली गली ठेले घूम रहे हैं, पुण्य कमा लो। और जी पुण्य के लालच में फंस रहा है और इसी जगत में डोल रहा है। उनको न सूरत का पता, न शब्द के भेद का, बस जगत गुरु बन गए और जगत में फंसा दिया। सो संत और फकीर जिस रास्ते का जिक्र करते हैं, वो सूरत शब्द अभ्यास का मार्ग बताते हैं और उपदेश करते हैं कि जिससे सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से मिलने का अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई सबवे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अंडरग्राउंड टनल नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं लगी है। मानो चाहे ना मानो, पर जब भी मानोगे यही मानना पड़ेगा और इसी मार्ग पे चलना पड़ेगा। संतों के मत में कोई शाखा नहीं होती, कोई शाखा नहीं होती, एक सीधा मार्ग है। सीधा मार्ग जिस मार्ग से सूरत आदि में उतरकर इस पिंड में समाई है, उसी मार्ग से जाएगी। तो जब मत एक मत के प्रकटकर्ता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल एक, गुरुमुख एक, तो वक्त का सदगुरु भी एक। वक्त के दो सदगुरु नहीं होते, अगर दो भी हैं तो एक झूठा है। 100 हैं तो 99 झूठे हैं, सच्चा सिर्फ एक होता है। जो सत्य के खोजी हैं वो सदगुरु तक पहुंच जाते हैं, और जो संसार की लालसाओं कामनाओं और भोगों के अभिलाषी हैं वो झूठे गुरुओं के डेरे और आश्रमों में अपने लालच के वश भीड़ लगाते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाए, मन की कामना पूर्ण हो जाए, इसलिए जगह जगह माथे पटकते हैं। ये उद्धार के अधिकारी नहीं हैं। मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, गधे को भी बाप बनाते हैं और लौट के इसी जगत में आते हैं। चेतो मेरे प्यारे, तेरे भले की कहूं। तो संत तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से मिलने का तरीका और मार्ग ही बताते हैं, क्योंकि अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। शाखा का मतलब है झूठ। अगर कोई कहता है राधा स्वामी मत की शाखा, शाखा का मतलब है झूठ। राधा स्वामी मत की कोई शाखा नहीं है, कोई शाखा हो ही नहीं सकती। शाखा का मतलब है झूठ। स्पष्ट कहा, खुल के कहा, बहुतों को बुरा लगा, पर सच कहा।
दो मार्ग नहीं है, दो सदगुरु वक्त भी नहीं है, दो धारें भी नहीं हैं, सब काल का जाल है। तो जिन शाखाओं में अटके हो, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या मिला। बरसों से लटके हो इन शाखाओं में और जानते हो सिवाय फांसी के गले की और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई शाखा है ही नहीं। एक सीधे मार्ग से कुछ तो विरोध होगा, तभी तो शाखा फूटी। जब शाखा फूटती है तो कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता, पर वो शाखा जब एक सीधे मार्ग से विरोध करके अलग बढ़ती है तो समय आने पे इतना भारी अंतर नजर आता है, शुरुआत में पता ही नहीं चलता, सब एक जैसा लगता है। क्योंकि ये शाखा जब मेन लाइन से फूट रही थी तब दूरी कम नजर आती थी, आज ये दूरियां नजर आती हैं। और शाखा कहती है कि मेरा मेरे मूल से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, तो तुम किसकी शाखा हो, तो तुम किसकी शाखा हो, पता नहीं। यह है काल का झूठ और जाल, जिसके कान हो सुन ले, जिसके पास दृष्टि हो वो देख ले, बाकी तो जग में घोर अंधेरा भारी। साथ ही सद्गुरु अपने समय के सद्गुरु पूरे की खोज, सेवा, प्रीत और प्रतीत का उपदेश करते हैं। सद्गुरु स्वयं जीव को अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज का उपदेश करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं सद्गुरु हूं, कहते खोजो खोजो, जो अपनी मेहनत और लगन से पाओगे वो तुम्हारा है। भीड़ में शामिल ना हो जाना वरना धोखा है। और संतों का कोई बाजार नहीं है कि ये शोरूम समझ में नहीं आया तो दूसरे में घुस गए। तो सद्गुरु स्वयं कहते हैं जीव से कि खोजो, और जब मिल जाएं तो उनकी सेवा, प्रीत और प्रतीत का उपदेश करते हैं। इस तरह धन, स्त्री, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार आदि से आसक्ति दिन प्रतिदिन कम करवाकर सच्चे खोजी और अनुरागी के हृदय में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के प्रति प्रेम और प्रीत को बढ़ाते और स्वयं भी हर वक्त भजन व ध्यान में बने रहते हैं। इसीलिए वक्त गुरु है। जीव हर वक्त भजन और ध्यान में नहीं रह सकता, ये सोचना या प्रयास करना उचित नहीं है, क्योंकि जीव जगत में है और सद्गुरु की सूरत, जो सद्गुरु पूरे हैं उनकी सूरत कभी भी सतलोक से नीचे नहीं आती। भास भी आकर टिकता है तो
तो आज्ञा चक्र यानी तीसरे तिल पर और शेष से शरीर के देह के कार्य होते हैं। गुरुमुख की सूरत हृदय चक्र से नीचे नहीं उतरती और सदगुरु की सूरत का भास तीसरे तिल से नीचे नहीं उतरता। तो जगत की कार्रवाइयां गुरुमुख के माध्यम से करवाते हैं और जब तक सच्चा गुरुमुख सामने प्रकट ना हो जाए, ना आ जाए, संत उपदेश या प्रकट कार्रवाई नहीं करते। सो गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी, वही आने वाले वक्त का सद्गुरु है। सो स्वयं हर वक्त भजन और सिमरन और ध्यान में बने रहते हैं और अपने शिष्यों और भक्तों को भी इसी अभ्यास में लगवाते हैं। अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अभ्यास वो है कि नियम से रोज थोड़ा थोड़ा करते रहने से एक जड़ बुद्धि भी सुजान बन जाता है। जैसे मिट्टी के घड़े को पत्थर की जगत पर या सिल पर एक जगह रोज रोज रखते रखते उस पत्थर में भी गड्ढा बन जाता है। वरना क्या मिट्टी का घड़ा पत्थर को घिस सकता है? पर एक दिन घिस जाता है। जितने जड़ और कठोर धारणाएं मन ने बनाकर बैठी हैं वो सब एक दिन चूर चूर हो जाती हैं। अभ्यास का यही महात्म और महत्व है। और बीते वक्त के धर्म, बीते वक्त पिछले समय के धर्म कर्म और भ्रमों से यानी कर्म और भ्रम से और दूसरे इष्टों से जो मार्ग के इष्ट बना रखे हैं, वॉचमैन, चपरासी, बाबू, बड़े बाबू, इन सब से दूर करा के धीरे धीरे सभी अंतरी और बाहरी बंधनों से मुक्त कराकर जीते जी यानी इसी आयु और देह में, इसी भौतिक देह में रहते हुए कुल मालिक, बिग बॉस, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचा देते हैं। पर शर्त यह है कि जीव उनके सत्संग और सेवा से हट ना जाए, दूर ना हो जाए और दिन प्रतिदिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाए और जैसा वे आदेश व निर्देश दें उसी के अनुसार अभ्यास करता जाए, अपनी बुद्धि ओछी अक्ल बीच में ना लगाए। शर्त यही है।
पूर्ण समर्पण भाव से। अगर कहीं मैं उठ गया और मेरी बुद्धि खड़ी हो गई और मन ने तर्क पैदा कर दिए तो गई भैंस पानी में, कुछ हासिल नहीं होगा, किया धरा सब मट्टी हो जाएगा। तो सदगुरु खोजो री प्यारी, तेरे भले की कहूँ, पहचान तो यही है और ऐसे ही मिलेगी। अब बात करता हूँ जीव की स्थिति की, कि जीव की स्थिति क्या है इस जगत में। सद्गुरु की पहचान तो बता दी, पर किन स्थिति और परिस्थितियों में जीव इस जगत में जी रहा है जिससे उसे उदासीन होना है। इस पिंड देह और देश में जीव आठ प्रकार के बंधनों में बंधा और जकड़ा हुआ है। आठ मुख्य हैं और उपबंधन तो मन की इच्छाओं के अनुसार असंख्य हैं। जैसे एक बंधन मोह का, तो धन से मोह, पत्नी से मोह, पुत्र से मोह, इससे मोह, उससे मोह, खाने का मोह, पीने का मोह, उपबंधन तो बहुत हैं। एक छोड़ोगे तो दूसरे में फंस जाओगे। जगत के बंधन मुख्यतः आठ प्रकार के होते हैं, जिनका कारण मूल अहंकार में छुपा होता है। पहला बंधन अपने कुल यानी खानदान की इज्जत, कहते हैं हम फला राजपूत हैं, हम कुशवाहा हैं, हम भाटी हैं, हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम इस कुल के हैं, ये हमारा गोत्र है, हम 20 बिसवा के ब्राह्मण हैं, तुम 16 बिसवा के हो, वो 14 बिसवा के हैं, हम तुमसे बड़े हैं। हम सैयद हैं, तुम कुरैशी हो, हम कैथोलिक हैं, तुम प्रोटेस्टेंट हो। ये जो कुल यानी खानदान की इज्जत है ना, पहला बंधन तो यही है, बंध गए। मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, वो ईसाई है, वो बहाई है, वो शिंतो है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो बहाई है, पता नहीं क्या क्या है, पर इंसान कहीं नहीं है, न जाने क्या क्या है, पर इंसान कहीं नहीं है। उसी को तो खोजना है, उसी का तो उद्धार होगा। न हिंदू का होगा, न ईसाई का, न बहाई का, न मुसलमान का, किसी का नहीं होगा। ये जो 4200 है ना, किसी का नहीं होगा। जिस दिन ये 4200 मिलकर एक इंसान बन जाएंगे ना, सबका हो जाएगा। अब वो काल कभी होने नहीं देगा। दूसरा बंधन जाति का, अपनी जात का बंधन। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कुरैशी अहमदिया
68 फिरके हैं, किस किस के नाम गिनाऊं? सैयद अंसारी, चिश्ती, बटे हुए जातियों, एक कुल में न जाने कितनी जातियां पैदा हो गई, बढ़ते चले गए, टुकड़े होते चले गए, आपस में भिड़ते लड़ते चलने लगे, यही काल का जाल है। और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता जाता है। तीसरा बंधन, पद, किस पोस्ट पर हूं, मेरे क्या अधिकार हैं और हुकूमत का, कितनों पर मेरी चलती है, कितने मेरे अधीन हैं, कितनों को मैं भाग्य विधाता हूं। तीसरा बंधन यही है, पद, अधिकार और हुकूमत का। चौथा, अपनी नेक नामी और बदनामी का, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसे काम करो जिससे इज्जत बढ़े। ऐसा ही होता है, हमेशा डरते हो ना, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए ऐसे काम करो, चाहे झूठा दिखावा करो, पर ऐसा करो जिससे मेरी इज्जत बढ़े न कि घटे। ये चौथा बंधन है, नेक नामी और बदनामी का। पांचवा, मोह, बड़ा प्यारा लगता है ये बंधन, मोह, पत्नी, पुत्र, धन, जायदाद, इन सब का। जब इनकी याद आती है चेहरे पे खुशी आ जाती है। मोह का बंधन। छठा बंधन, झूठ और झूठे मत या बातों का अपने फायदे के लिए पक्ष लेना। मालूम है झूठ है, पर इस झूठ में मेरा फायदा है, इसलिए लग जाओ लाइन में, इसलिए झूठों की लाइन में खड़ा हो जाता है अपने फायदा देखकर। ये छठा बंधन। सातवां, आशा, उम्मीद, तृष्णा और जगत के भोग विलासों की जो चाह है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अभी बटन वाला है, फिर टच स्क्रीन मिल जाए, है ना, मोटरसाइकिल है तो साइकिल गायब हो जाए, मोटर मिल जाए, सड़क से जाने में तो 3 घंटे लगते हैं, हवाई जहाज मिल जाए, चाह जगत के भोग और विलासों की, ये सातवां बंधन है, आशा, तृष्णा, इनका होना। और आठवां बंधन, अहंकार, यानी अहम भाव, यही जगत के 8 मुख्य बंधन है, अहंकार यानी मैं और मेरा, बस यही अहंकार है, अहंकार की जड़ यही है, मैं और मेरा, यहां से अहंकार शुरू होता है। जिस दिन ये मैं और मेरा, तू और तेरा में बदल गया, उस दिन था यही दोहा याद आएगा, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। जब अंतर में प्रकाश होगा, अंधेरा मिट जाएगा,
मैं खत्म हो जाएगा, बस एक तू और सब कुछ तेरा ही रह जाएगा। उससे पहले तो जगत में मैं हूँ और मेरा है, यही अहम भाव है। सो यही जगत के 8 मुख्य बंधन हैं, बाकी तो इनकी शाखाएं और उपबंधन हैं। और जिसमें जीव निरंतर निरंतर आजीवन और जन्म जन्म से फंसा हुआ है और फंसा रहता है, इसीलिए तुम हो, इसीलिए तुम हो। अगर इन बंधनों से मुक्त हो गए होते तो यहाँ नहीं वहाँ होते, जो तुम्हारा निज घर है, इस किराए की सराय में ना पड़े होते। बंधे हो इन्हीं बंधनों में जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तो जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन जगत के दिन प्रतिदिन कमजोर और ढीले होते जाएं और प्रीत व प्रतीत कुल मालिक दयाल के चरणों में दिन दिन बढ़ती जाए, तो यकीन करना चाहिए कि एक दिन वे सब बंधनों से छुड़ाकर परम पद और निज धाम में पहुंचा देंगे, यही पहचान है। पर जिनके संग साथ और सानिध्य में जगत के बंधन ढीले होने के बजाय और मजबूत होते जाएं, लालसाएं कामनाएं वासनाएं बढ़ती जाएं, तो झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजिए वार, भेद न जाने शब्द का भटके बारंबार। खुद भी भटक रहे हैं और तुम्हारी लुटिया भी डुबो देंगे। पर जिनके संग साथ और सानिध्य में ये बंधन दिन प्रतिदिन कमजोर और ढीले पड़ने लगे, तो जान लेना कि सद्गुरु मिल गए। यही संत स्वरूप है, यही संत स्वरूप है। सिवाय इसके और कोई उचित पहचान संत या साध की नहीं है, सिवाय इस बात के संत और साध की और कोई पहचान नहीं है। और यदि कोई यह सोचकर कि संत के या संतों के हालात, उनके लक्षण और चाल चलन, रहना सहना, खाना पीना या भौतिक लक्षणों को देख और परख कर ग्रंथों में लिखी बातों से या पिछलों के जीवन से मिलान करके उन्हें परखे और सोचता है कि परख लेगा, तो यह सिर्फ उसके नादानी और मलिन बुद्धि का भ्रम ही है। उसने ये तो परखा ही नहीं कि मुझे मिला क्या,
वो परखने लग गया कि उन्होंने किया क्या। कभी नहीं परख सकते। तो उस घाट पर बैठकर कार्रवाई करते हैं जहां तुम्हारी बुद्धि की गम्य ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि उन घाटों पे पहुंच ही नहीं सकती। हे विद्या, तू बड़ी अविद्या। ये जो किताबें पढ़ पढ़ के विद्या हासिल कर ली है, बुद्धि विलास करते हो, तो हे विद्या तू बड़ी अविद्या। संतन की तू गति न जानी। अपनी बुद्धि से तुम संतों को परख नहीं सकते। भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, कबीर साहब एक कपड़ा बुनने वाला जुल्हा ही तो थे, और कुछ थे? भौतिक दृष्टि से जो व्यापारी उनसे कपड़ा खरीदता था, क्या वो उन्हें पहचानता था संत रूप में? उनके लिए वो एक जुल्हा थे जो कपड़ा बुनता था और उसकी गद्दी पर आकर बेचता था। मोहल्ले का वो दुकानदार जो उधार देने के लिए कबीर साहब की पत्नी को अपने साथ रात में सोने के लिए बुला लेता है, क्या उसके लिए कबीर साहब संत थे? क्या वो कबीर साहब को पहचान पाया? उसके लिए तो एक गरीब जुलाहा था जो उधार मांगने जिसकी बीवी आई है दुकान पे। तो तुम भौतिक दृष्टि से संतों को नहीं परख सकते। हजरत ईसा ये संत और महात्माओं की बात कर रहा हूं, संत और महात्माओं की बात कर रहा हूं जो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर उठ गए। हजरत ईसा ने बढ़ई का काम किया, कितनों को पता है? उनके पिताजी बढ़ई थे, बचपन से सीखा और बढ़ई का भी काम किया हजरत ईसा ने। मोहम्मद साहब ने जानवरों को, भेड़ बकरियों को चराने की नौकरी करी है। रविदास जी चर्मकार थे और जूता गांठने का काम करते थे। गुरु नानक ने, किसान थे और फिर गल्ले की आढ़त का कारोबार किया। और परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर राधा स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज ने आजीविका के लिए अनुवादक और शिक्षण का कार्य किया। फारसी पढ़ाते थे, उस वक्त की वही भाषा थी सरकारी। सरकारी कामकाज फारसी में होते थे। हुजूर महाराज सालिग्राम जी प्रथम भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल हुए हैं। उससे पहले कोई भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल नहीं बना था, अंग्रेज होते थे। डाक विभाग में नौकरी करी। महाराज साहब और बाबूजी महाराज लेखा विभाग में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे, एक ही दफ्तर में नौकरी करते थे।
बाबा जयमल सिंह जी फौज में सिपाही थे और तुलसी साहब हाथरस वाले, पेशवा की गद्दी के वारिस थे, जिसे त्याग करके वे संत गति को प्राप्त हुए। तो जो लोग संतों से कोई आश्चर्य कर्म या चमत्कार देखना चाहें या किसी और तरीके से उनकी परीक्षा करना चाहें, तो यह बहुत भारी गलती और नादानी है, क्योंकि इस तुच्छ और मलिन बुद्धि, तुच्छ ओछी और मलिन बुद्धि का जो जीव है मनुष्य, जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान और अक्लमंद समझता है, तो इस जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी अल्प बुद्धि बोला, सबको बोला, बड़े बड़े साइंटिस्ट, विज्ञानी, सबको बोला अल्प बुद्धि, क्योंकि मनुष्य अपनी मस्तिष्क की क्षमता का सामान्य मनुष्य 7-8% ही इस्तेमाल करता है, 92-93% तो वो जानता ही नहीं कि उसमें क्या क्षमताएं हैं। और जो बड़े बड़े जीनियस हुए हैं, किसी का भी नाम ले लो, वे अपने मस्तिष्क की अधिकतम 12-13% क्षमता तक ही इस्तेमाल कर पाए हैं, 87% क्षमता तो उनकी भी अछूती ही रह गई। इसलिए बोला अल्प बुद्धि जीव मनुष्य। सो इस अल्प बुद्धि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से संतों के ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। संत का मतलब है 100%। तो ये 10-12% लेके तुम 100% को कभी नहीं आंक सकते। उदाहरण के लिए कहता हूं, इस ब्रह्मांड के 10 आयाम हैं, डायमेंशंस, और तुम सिर्फ 3 में जीते हो। ये मन के 10 घाट हैं, यूनिवर्स के 10 डायमेंशंस, और तुम सिर्फ 3 में जीते हो। आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, बस। इससे ज्यादा तुम्हारी गति नहीं है। ये एक अभ्यासी है जो 10वें द्वार को पार करता है, मन के हर आयाम और घाट को पार करके आगे बढ़ता है। और ये मार्ग जतन और युक्ति, यही संतों का उपदेश है। और कैसे इन घाटों को पार करना है, इन 10 डायमेंशंस को कैसे क्रॉस करना है, यही संतों का उपदेश
और निर्देश है, और हजरत ईसा के सिंबल क्रॉस का भी यही अर्थ है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि जब तक इस त्रिगुणात्मक सत्ता के पार ना पहुंचोगे तब तक निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते, और संत तो इस सगुण और निर्गुण से परे की यात्रा पर लेकर जाते हैं, यही अंतर यात्रा है। तो अगर कहा कि संतों के चरण ब्रह्म के सिर पर होते हैं, या संतों के चरणों में ब्रह्म का सिर होता है, तो गलत नहीं कहा। जो किसी से बढ़कर और ऊंचा हो, वही उसे जांच और परख सकता। जो किसी से बढ़कर और ऊंचा हो, वही अपने नीचे वाले को जांच और परख सकता है। तुम्हारे स्कूल में भी कॉपियां तुम्हारी टीचर जांचती है, तुम नहीं जांचते हो अपने टीचर की कॉपी। एक क्लास में बैठा बच्चा अपने टीचर की काबिलियत को नहीं परख सकता, जबकि टीचर से किसी भी बच्चे की काबिलियत छुपी नहीं रह सकती, तभी तो वो उसको पास और फेल और करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड और नंबर देती है। तो तुम संतों को परखोगे? जो 100% क्षमता के साथ बैठे हैं उन्हें 10-12% से परखोगे? नादानी है। वो ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, वो ऐसा बैठते हैं, वो टोपी लगाते हैं, माला पहनते हैं, वो कुर्ता पहनते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इतनी ओछी बुद्धि है तुम्हारी, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं। और फिर उन पर कटाक्ष करते हो, क्या होगा तुम्हारा? अभी तुम्हारा वक्त मुनासिब नहीं आया है, अभी तुम्हारा वक्त मुनासिब नहीं आया है। तुम इसी लायक हो कि गले में लाइसेंस डालकर घूमो, मैं यहां का, मैं वहां का, मैं वहां का। बस तुम यहीं घूमोगे, यहां वहां और वहां, कभी निज घर नहीं पहुंच सकते। सो जो किसी से बढ़कर और ऊंचा हो, वही उसे जांच और परख सकता है। साधारण जीव तो बस अपने मतलब की ही बात पहले देखनी चाहिए। साधारण जीवों को सिर्फ अपने मतलब की, अपने हित की बात पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, उनकी माली हालत, उनकी भौतिक स्थिति परखने में ना लगो। ये देखो कि तुम्हें क्या मिला, क्या तुम्हारे बंधन ढीले हो रहे हैं या नहीं, इससे अधिक कोई पहचान नहीं। पर तुम्हारी ओछी और मलिन बुद्धि में तो यही जगत की मलिन और ओछी बातें भरी हुई हैं। तोता तो टैटे ही करेगा, कोयल की बोली तो नहीं बोल पाएगा।
साधारण जीव को तो सबसे पहले बस अपने मतलब की ही बात देखनी चाहिए, यानी संत सदगुरु के दर्शन और वचन से जिस तरह जीव के मन में लगन और अनुराग कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के प्रति पैदा हो, उसी से उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और निबलता मैं को खत्म करके निबल हो के, निबल मैं कुछ नहीं, पूर्ण समर्पण का भाव, तो सच्ची दीनता और निबलता से उनके सामने जाए। और अगर बंधनों में बंध कर गया तो निश्चित जानो तुम्हारा बंधन चाहे कुल खानदान का हो, चाहे धन दौलत का, चाहे पद अधिकार का, सब तोड़ दिया जाएगा और टूट जाएगा। यही सद्गुरु के वचन की ताकत है, जिसके आगे काल कर्म का जोर नहीं चलता। टिक नहीं पाओगे, उल्टे पैर भाग जाओगे। जैसे हजूर महाराज जब सत्संग में जगत की मिथ्या और नश्वरता के वचन फरमाते थे, तो महीनों से आने वाले सत्संगी भी कुछ ना पा सके, उठकर भाग जाते थे। बर्दाश्त नहीं होता था, हुजूर हमसे ना हो सकेगा। हर बंधन तोड़ा जाएगा, तभी तो मुक्ति की राह पर चल पाओगे। बंधनों को ना तोड़ा गया तो मुक्ति की राह पर कैसे बढ़ पाओगे। इसीलिए संतों का मत बड़ा स्पष्ट रूप से हर आने वाले से पूछता है कि पहुप मध्य से उठी आवाजा, कहो आए तुम के ही काजा। क्या करने आए? पहले अपने अंदर निर्णय तो दृढ़ करो, तुम्हें चाहिए क्या? ऐसे ही मुंह उठा के भीड़ में शामिल हो गए भंडारा खाने, वही मिलेगा, भंडारा ही मिलेगा, भंडार नहीं मिलेगा। भंडारा तो मिलेगा, भंडार नहीं मिलेगा। जो कुल का आदि और कुल का स्वामी है, जो तुम्हारा निज घर है, कैसे पाओगे? संतों के सामने कभी अहंकार और चतुराई से उनके साथ और सामने कभी वर्ताव और व्यवहार ना करें। सद्गुरु षटमुखी आईना है, अगर उनसे कुछ तुम्हारी चतुराई छुप गई तो वो गुरु नहीं है। अगर वो तुम्हारे झांसे में आ गए तो गुरु नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह स्वार्थी लालची ही है, भेष बना लिया। तो सद्गुरु तो षटमुखी आईना है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे भाव सब देख रहे हैं। हाँ, कहेंगे कुछ नहीं, तुमसे कहेंगे कुछ नहीं और बख्शेंगे भी कुछ नहीं। कहेंगे कुछ नहीं, बख्शेंगे भी कुछ नहीं। जो हो, जहां हो, जैसे हो, वहीं पड़े रहोगे, तुम्हें कोई बदलाव नहीं आएगा।
सो संतों के सामने कभी चतुराई से पेश नहीं आना चाहिए। कहेंगे कुछ नहीं, बख्शेंगे भी कुछ नहीं, क्योंकि किसी भी दिल का हाल उनसे छुपा नहीं रहता और उनके कामों और तरीकों में अपनी ओछी अक्ल और समझ ना लगाए। सतगुरु के कामों में, निर्णयों में, तरीकों में अपनी ओछी अक्ल पेश ना करें, क्योंकि देखने में बेशक संतों के काम बचपने की बातें और खेल नजर आए, पर उसमें भारी मसल्लत छुपी होती। बहुतों का और जगत का भला छुपा होता है, क्योंकि साधारण जीव और सद्गुरु में बस यही फर्क है कि साधारण जीव कर्म करता है पर फल उसके हाथ में नहीं होता, और सद्गुरु फल पहले निश्चित करते हैं तब कर्म करते हैं। इसलिए अपनी ओछी अक्ल उनकी बातों में, उनके निर्णयों में, उनके तरीकों में कि सद्गुरु ऐसे नहीं वैसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या अगर इसकी जगह ये कर लें तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, अपनी ओछी अक्ल पेश ना करें, क्योंकि जीव परिणाम नहीं जानता और सद्गुरु पहले परिणाम निश्चित करते हैं तब कर्म करते हैं। और हर कर्म उनका जगत और जीव के उद्धार के वास्ते ही होता है, भौतिक लाभ के वास्ते नहीं। और जीव की दृष्टि भौतिक लाभ को देखती है, उद्धार का तो उसे पता नहीं, यही फर्क है। तो इस तरह संत जो भी काम करते हैं, चाहे वह देखने में बच्चों का खेल लगे, पर कभी भी वह सबकी भलाई और सुरतों के संभाल और जगत के कल्याण से खाली नहीं होता। जीव की अक्ल वहां तक नहीं पहुंच पाती कि उसे अपने परमार्थी फायदे और नुकसान की समझ आ सके। वो तो भौतिक फायदे और नुकसान को ही तोलता रहता है, उसकी बुद्धि और अक्ल परमार्थ ही फायदे और नुकसान की तरफ नहीं देख सकती। इसी कारण बहुत से जीव अपनी नादानी, कमकली और संशयों के कारण संतों की बात पर अभाव लाकर व्यर्थ ही अपना आत्मिक, आंतरिक यानी सुरत चेतन, आत्मा के भी अंतर के अंतर्गत आत्मिक आंतरिक नुकसान और हर्ज कर लेते हैं।
यानी संतों की संगत और सत्संग से दूर हो जाते हैं, जैसे हुजूर महाराज के सत्संग से उठकर भाग जाते थे, और इस तरह उस रूहानी दौलत से महरूम रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, जो संत उन्हें बिना किसी मोल के बांटने आते हैं। यही संतों की पहचान, परख नहीं, पहचान। परख और पहचान में बड़ा भारी फर्क है। परख हम लेते हैं और पहचान हमें मिलती है। परख और पहचान को एक ना समझना। परख हम लेते हैं परीक्षा, और पहचान हमें मिलती है स्वतः। यही फर्क है, और यही आज का विषय था कि संतों की पहचान। सो खोजो री प्यारी तेरे भले की कहूँ, गुर तो पूरा ढूंढ तेरे भले की करूँ कहूँ, क्योंकि गुरु बिन गति नाही। गुरु बिन गति नाही, जहाँ जैसे हो वहीं पड़े रहोगे, गति नहीं आ सकती तुम में। सदगुरु स्वामी सदा सहा राधास राधास राधा।